देखो भाई ये कुआं था, अब ढक दिया लोगों ने। ये कोटला का अंदर का हिस्सा है परसादी गली के पास का, और यहाँ पर मलबार कूड़ा डाला सकते हो ना, डालने में आ मत जाना, 5000 रुपये ले लेंगे, 5000 रुपये का तगड़ा खर्चा। फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए हैं ढाक के पेड़ के आगे, और इसके ऊपर एक कहावत है, कहावत चकली भाई बताएंगे। नहीं, जो मुहावरा बना हुआ है ना ढाक के तीन पाक, लोगों ने देखे नहीं होंगे, देखे तो जब पता लगे। देखो ये है ढाक के तीन पाक, ये ढाक का पेड़ है, ये एक, ये दो, ये तीन, ढाक के तीन पाक, इससे बन गई कहावत ढाक के तीन पाक। हाँ जी, ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर हम जा रहे हैं, पैदल की ही हमारी सवारी है। तो फ्रेंड्स वेन्यू पर पहुँच गए हम, दिखाते हैं वेन्यू, अभी वेन्यू के सामने ही है, बोर्ड लगा रखे हैं जिससे पता चले कि अंदर प्रोग्राम क्या है। वो सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की मेन एंट्री है, और ये जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है, क्रांति अवार्ड टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स के नाम है रोमी भाटी, समय सिंह कसा, हीरो ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कोतवाल धन सिंह, 10th मई 1857 वॉरियर, यहाँ से एंट्री है। शहीदों के सम्मान में हम भी मैदान में, क्रांति चक्र अवार्ड, और ये ऊपर फोटो लगाए हुए हैं जितने क्रांतिकारी रहे हैं। ये हमारे महाराज भाई है, और यहाँ से हम पूरा देख सकते हैं, अभी जो जितने लोग आए हुए हैं अभी धीरे धीरे भर रहा है। ये हमारे ईश्वर जी हैं, पीछे जयवीर और आजाद, धर्मवीर भाई जी यहाँ बैठे हैं, यहाँ से म्यूजिक वगैरह कंट्रोल किया जा रहा है। ना, एक मिशन है प्लेट ढूंढना खाने के लिए, खाने का भी अच्छा बंदोबस्त है। जगवीर ने 2 प्लेट खत्म कर दिए, देखो बंदोबस्त में ये है, पूरी है, सब्जी 2 तरह की है, सब्जी 2 तरह की है, हलवा है, बहुत स्वादिष्ट और सब्जी है। और महाराज भाई कौन से स्कूल में? KSM पब्लिक स्कूल में है, KSM पब्लिक स्कूल गिटोरनी, वहाँ पर टीचर हैं। तो फिलहाल ये चल रहा है यहाँ पर, लेकिन नंबरदार जी भी मिल गए यहाँ पर, हमारे नहीं आया था, अब आ जाएगा, अब सारे आ गए। गुजर की एक है पहचान, सर पर पगड़ी मुंह पर राम राम, तो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। ये राजकुमार पाटिल जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो हमारे समाज के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। मास्टर जी पढ़ाने वाले, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट, और क्या बात है। अभी भाई मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर मिल गए, वैसे तो 5-6 साल से एक दूसरे के टच में हैं। ये लाल बहादुर जी हैं, ग्राम पाठशाला के लिए काम कर रहे हैं, पहली बार मुलाकात हो रही है। ग्राम पाठशाला मिशन की शुरुआत गाजियाबाद के गणौली गांव से इसकी शुरुआत हुई। इस विचार के जन्मदाता भाई साहब लाल बहादुर जी, जो डिप्टी SP हैं NHRC में, उनका ये विचार था। उसके बाद गांव-गांव टीम जाती रही, लोगों को जागरूक करके गांव-गांव लाइब्रेरी बनवाती रही। आज के समय में 7 राज्यों में 500 से अधिक लाइब्रेरी इस मिशन की प्रेरणा से बन चुकी हैं। और मिशन जो टीम का जो मिशन है कि देश के हर गांव में लाइब्रेरी बननी चाहिए, वहां तक टीम को जाना है। 15 अगस्त 2027 तक देश के हर गांव में पुस्तकालय हो, ऐसा संकल्प इस टीम ने लिया। सभी अभी तक तो हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश,
सभी राज्यों में हम लोग अभी जा चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत तेजी से ये चीजें चल रही है। नंबर्स की यदि बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अधिक लाइब्रेरी बनी है। यूपी में तो अभी 200 प्लस पहुंच चुका है। वेस्टर्न यूपी भी, अभी ईस्टर्न में भी हमारा कई एक दो स्टेट में हमारा वहाँ पे ओपनिंग हो गई है। रायबरेली में हमारा हो गया है इधर, और बनारस में भी एक काम चल रहा है। देखिए, ये जो मिशन है किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का मिशन नहीं है, ये सर्व समाज का, सभी धर्मों का मिशन है, और देश के हर गांव तक जाना है, हर समाज तक जाना है, ऐसा इस टीम का जो है संकल्प है। 6,64,369 गांवों तक पहुंचना है, जितना कि देश में गांव है, इतनी ही लाइब्रेरी गांव में बननी है। फंड की व्यवस्था गांव के लोग ही आपस में चंदा इकट्ठा करके करते हैं, हम लोग ना किसी को एक पैसा लेते हैं ना किसी को एक पैसा देते हैं। हम केवल गांव में जाके लोगों को लाइब्रेरी का महत्व बताते हैं, उनको समझाते हैं कि लाइब्रेरी बनने के बाद में आपके गाँव में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, उसके बाद गाँव वाले प्रेरित होकर के स्वयं अपने आपस में चंदा इकट्ठा करके किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाइब्रेरी बनाते हैं। कल्चर ट्रस्ट के माध्यम से ये उन वीर सपूतों की शहादत को लेकर उनके परिवारों को सम्मानित करना, वो तो रहे नहीं अब, लेकिन भविष्य में भारत माँ की अस्मिता के लिए जिन परिवारों का योगदान रहा, जिनका तप रहा, अनसंग हीरो के रूप में जो लोग थे, जिनको लंबे समय तक पिछली सरकारों ने भुलाने का काम किया, केवल एक ही खानदान एक ही परिवार का गुणगान होता रहा, यही कार्य प्रेरणा हमारे देश के प्रधानमंत्री से मुझे लगा गुर्जर कल्चर आर्ट एंड ट्रस्ट को मिली होगी, कि जो उन्होंने इंडिया गेट पर सभी अनसंग हीरो की याद में वहां पर एक स्मारक का आयोजन कराया गया देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। तो मैं बधाई दूंगा इन्हीं कल्चर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को कि गांव-गांव घूमकर जाति बरादरी भेदभाव सबको एक तरफ रखते हुए भारत माँ की अस्मिता के लिए जिन लोगों ने भारत को आजाद कराया, उन लोगों की याद में उन लोगों को स्मरण करते हुए उनके परिवारों को सम्मान किया जाएगा, तो उन परिवारों की कमिटमेंट भी देश के प्रति ज्यादा बढ़ेगी, कि देश के 125 करोड़ लोग आज भी हमारे पूर्वजों के त्याग को याद कर रहे हैं। तो बधाई का पात्र है ये आर्ट एंड कल्चर ऊर्जा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता बनते हैं। युवा और आने वाली प्रतिभाओं के लिए ये संदेश ही तो है ना, कि इन परिवारों को लगेगा कि हम ठगे नहीं गए, हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ। अगर देश के प्रधानमंत्री ने वो पहल की है अनसंग हीरो को सम्मान देने का, पद्म विभूषण अब उन्हीं परिवारों को मिलता है जो देश के और समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने चहेतों को नहीं मिल रहे हैं, अपने चमचों को नहीं दिए जाते हैं, देश के लिए उत्थान में गरीबों के उत्थान के लिए वंचित उपेक्षित पीड़ित वर्ग के सम्मान में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मान किया जाना चाहिए, तो उन्हीं परिवारों को उसी कड़े में सम्मान किया जाता है। तो आने वाले भी जो जनरेशन है इन परिवारों को भी और जो और दर्शक के रूप में लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो देखेंगे तो कहेंगे मैं भी देश के लिए समाज के लिए कुछ करूँ, तो शायद मुझे भी इतनी प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मान मिलने का काम होगा। फोटो सेशन चल रहा है, लोकेश भाई भगत सिंह का फोटो खींच रहे हैं क्या? खींच रहे हो? अच्छा, महसूस हो रहा है भगत सिंह के साथ। अच्छा अच्छा, अरे भाटी जी आ गए भाई, भाटी जी को ले लो। ना हमारी इनकी लड़ाई रहेगी, पार्टी तंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई रहेगी। नहीं, आपका मुद्दा सही है, पर मान हो गया। नहीं, मतलब बात तो अच्छी है पर हमारे पास में नहीं है इसलिए खराब हो गया वो। नहीं, हमारे पास में नहीं है, हम पिछली चीजों को तोड़ नहीं पा रहे इसलिए खराब है वो, वैसे तो सही है। राजकुमार भाई, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो प्रोग्राम चल, बहुत शानदार कार्यक्रम गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ने किया है, और पहली बात तो इसमें 1857 के शहीदों के वंशजों को सम्मानित किया गया है, जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इतना फर्ज तो हमारा बनता ही है कि उन्हें याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि दें, लेकिन इसके साथ साथ नई पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलती है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होती है, एक सांस्कृतिक समझ पैदा होती है, इतिहास की समझ पैदा होती है। तो इन सब दृष्टिकोण से एक अच्छा कार्यक्रम है, और जो इसके आयोजक हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और वे धन्यवाद के पात्र हैं। और इसके साथ साथ जो विमुक्त जातियों का जो मुद्दा इसके साथ चला है कि 1857 के क्रांतिकारियों को पे जो उसके बाद जो एक कौन सा एक्शन बोलते हैं उसको, ट्राइब क्रिमिनल ट्राइब जो एक्ट हो लग गया था DNT के तहत जो, तो वो विमुक्त भारतीय जाति वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को इस तरह भुला दिया गया, उन्होंने पूरे संघर्ष किए, अपनी आहुति दी, उसके बाद भी उनको आज तक सम्मानित नहीं किया गया या उनको न्याय नहीं मिला, इतना बड़ा नुकसान हुआ गांव के गांव, यहां अभी मैरोली के आसपास कितने गांवों को उठा के डिक्लेयर कर दिया था, ये कह के विरोधी डिक्लेयर कर दिया था, गद्दार डिक्लेयर कर दिया था, और आज तक वो शोषण हम झेल रहे हैं। तो उसके लिए भी जो प्रयास इसके थ्रू होने जा रहे हैं
बहुत जरूरी। दिवाकर भिदोड़ी ने उसका मुद्दा उठाया, डीएनटी का मुद्दा जो बहुत जरूरी, इसने बहुत अच्छा उठाया। मैं कुछ कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी एक फेक एनकाउंटर हुआ है भाई अनिल दुजाना का, मैं उस पर बोलना चाहूँगा। हमने विकास दुबे को देखा, उसने पुलिस वाले भुने ऑन ड्यूटी, उसका एनकाउंटर समझ में आता है। हमने अतीक अहमद देखा, उसने ऑन ड्यूटी एक दो गनर एक वकील भुना, तो उसका समझ में आता, लास्ट में उसने एक्सेप्ट भी कर ली वो चीज़ें। लेकिन अनिल भाई दुजाना कुछ टाइम पहले ही जेल से छूट के आए और उसके बाद उनका फेक एनकाउंटर हुआ है, जबकि वो कड़कड़डूबा कोर्ट सरेंडर करने जा रहे थे। और जो ये फेक एनकाउंटर हुआ, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं हम जितने भी गुजर समाज है, हिंदुत्व के ऊपर हम भरोसा करते हैं, लेकिन जो है फेक एनकाउंटर हुआ है अनिल गुजराना भाई का, इसके मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा। जय श्री राम, जय गुजर समाज।